जे सानू मिल जाए तो आना की पाली चार अखा कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वालों खालिस्तान की हमायत दे दिते अज दे बयान ने पंजाब की सियासत विच वड्डा धमाका कीता है। विरोधी धिरां ने जथेदार दे बयान उत्ते अकाली दल बादल नूं घेर लिया। आम आदमी पार्टी दे विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि अकाली दल की यह सोची समझी साजिश है ते जदों अकाली दल पार्टी सत्ता तो बाहर हो जाती है तो उन्हां वालों इस तरह की बयानबाजी की जाती है जो कि बहुत ही मंदभाग है। देखो अकाली दल जो स्टैंडर्ड आ डबल स्टैंडर्ड आ हमेशा और अकाली दल जो है पंजाब गड़बड़ फैलाना चाहता है। यही कारण है कि कल इस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है। बड़े लंबे अरसे बाद इस तरह की स्टेटमेंट का आना मैं समझता बहुत मंदभाग है और ये कहना कि असी मंगते नहीं है जेकर सरकार दे दूगी। सो ये सिख जगत के गुरु नानक नाम लेवा जगत के मैं समझता कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली गल है कि लड़ाई खड़ी करने वाली गल आ ये बहुत माड़ी गल है। इस तरह नहीं होना चाहिए सीगा। सो इतों पता लगता कि अकाली दल तो अकाली दल के लीडर जोड़े बोल रहे हैं अज इस गल का कि अकाली दल पंजाब जी अशांति फैलाना चाहता पंजाब जी अशांति भंग करना चाहता। यह अकाली दल का शुरू तो एजेंडा रहा शुरू तो अकाली दल जो है हमेशा लड़ाई जदों सत्ता च नहीं हुंदा है जदों सत्ता च नहीं हुंदा उदों सिख कौम च लड़ाई करवाउंदा है जो सत्ता च हुंदा है उदों सिख कौम दे जिहड़ा है विरुद्ध भुगतदा है। देखो मैं समझदा अकाली दल दा डबल स्टैंडर्ड आ। अकाली दल जदों सत्ता च हुंदा उदों होर गल्लां करदा जो सत्ता चों बाहर आउंदा है उदों गड़बड़ करवाउण वाली गल्लां करदा है। नाल ही आप लीडर अमन अरोड़ा ने कहा कि भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल अकाली दल दे सीनियर लीडर वल्लों खालिस्तान की मंग करना इस नाल अकाली दल दा दोगला चेहरा सामने आया। उन्हें कहा कि एक पासे जिथे भाजपा के लीडर खालिस्तान की मंग नूं नकार रहे हैं उत्थे ही भाईवाल अकाली दल वध चढ़ के इसकी मंग कर रहा है। असी 36वीं वरेगंढ के उपर उस हमले की निंदा करते हैं। उत्थे ही जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब वालों एस जी पी सी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल जी वालों और अकाली दल दे सीनियर लीडर वालों खालिस्तान की मंग करना उस नूं जायज ठहराउणा मैं समझदा कि इस दे नाल अकाली दल का दोगला चेहरा है जिहड़ा उह सामने आ गया है। अज बिल्ली थैले दे विचों बाहर आ चुकी है अकाली भाजपा गठजोड़ दी कि एक पासे जिथे बीजेपी दे लोक बीजेपी दे लीडर खालिस्तान दी मंग नूं सिरे तों नकार रहे ने उत्थे ही अकाली दल वध चढ़ के उसकी मंग कर रहा है। मैं समझदा कि इसे मुद्दे नूं लैके लोकां दीआं धार्मिक भावनावां नूं भड़का के उन्हां दे इमोशनस दे नाल उन्हां दीआं भावनावां दे नाल खिलवाड़ करके किस तरीके दे नाल अकाली दल और भाजपा लंबे समय तो लोकां दीआं वोटां बटोरदी रही है ये अज बिल्ली है जिहड़ी उह इस गठजोड़ दे थैले दे विचों बाहर आ चुकी है। जदों कि इन्हां दोषां ते जथेदार दा बचाव करदिआं अकाली दल दे बुलारे डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि जथेदार दे बयान ते बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहीदा क्योंकि उन्होंने मीडिया वल्लों पुछे गए सवालों का सिर्फ जवाब दिता सी। उन्हां कहा कि घल्लूघारा दिवस हर साल बहुत गंभीर तरीके नाल हर वार सिख संगत वल्लों मनाया जांदा क्योंकि इस दिन ते उस वेले दी सरकार दी हकूमत ने बहुत वड्डा जुल्म सिख कौम ते कीता ते श्री दरबार साहिब ते हमला कीता सी इस करके हर वार इस दिन ते धार्मिक समागम करवाया जांदा है। उन्हां कहा कि जेकर इस मौके जथेदार साहब वालों मीडिया के सवालों का जवाब दिता जाता है तो उसका बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहिए क्योंकि धार्मिक तौर पर सारी सेध सिख संगत को श्री अकाल तख्त साहब तो मिलती है इसलिए जथेदार साहब के बयान को गलत रंगत नहीं देनी चाहिए। इतने दस दिए कि अज श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि घल्लूघारा समागम से खालिस्तान के नारे लाना कोई गलत नहीं है। उन्हें कहा कि जेकर खालिस्तान बन जाए तो इस विच गलत की है क्योंकि हर सिख की खालिस्तान मांग है। उन्हें कहा कि जेकर सरकार खालिस्तान देवे तो सानू खुशी होगी। इस बयान तो बाद पंजाब की सियासत काफ़ी गरमा चुकी है।